देखते हो दोबारा? कभी कभी। कभी कभी। देखो भाई, किसी भी पॉइंट पर आर वेक्टर निकला है ना, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है। वी वेक्टर लिखना है तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है। सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ये मैं पता नहीं क्यों लिख रहा हूं, पता नहीं क्यों लिख रहा हूं, मतलब या आप जानते हो सब चीजें है? किसी को भी, अगर थ्री डायमेंशन में होता तो मेरे को क्या करना पड़ता? थ्री डायमेंशन में होता तो क्या करना पड़ता? यहाँ पर जेड के कैप, यहाँ पर वी जेड के कैप, यहाँ पर ए जेड के कैप। अब एक्सलेशन भी देखो, ए एक्स जीरो होगा। अब ये भले ही टू डायमेंशन मोशन है, मैं इसमें सब कुछ बताते हुए चल रहा हूं आपको। ए एक्स जीरो होगा, वी एक्स यू एक्स के बराबर होगा, वी वाई यू वाई माइनस यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो जाएगा यू एक्स टी, वाई हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। लेकिन सारा खेल यहां से चालू होता है, सारा खेल चालू यहां से होता है, ठीक है। तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट को अलग से किया, वाई कोऑर्डिनेट को अलग से किया। अब वो किसका, साइंटिस्ट का एक नाम दिया होगा पहले चैप्टर में, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिसने बोला है अकॉर्डिंग टू कोई साइंटिस्ट का नाम है, बर्बाद बोल रहा है वो, और ये बोलना चाह रहा है तुम साइंटिस्ट छोड़ो, मैंने बोला है हटाओ। एक्स कंपोनेंट का मोशन अलग चल रहा है, वाई का अलग चल रहा है, दोनों को कंबाइन हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, खत्म बात। अब कभी आपको स्पीड लिखनी भी, स्पीड स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है आपकी वी, वी हो जाता है आपका वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट, होता है कि नहीं होता? किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना हुआ, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है, ठीक है ना? ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन, देखो मैं मान के चल रहा हूं आप सब आईआईटी बॉम्बे के कैपेबल बंदे हो, उसके हिसाब से मैंने ये चीज बता दी आपको। मैं जा रहा बगल में कहीं इधर उधर पड़े वो है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ओरिजन का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,0 से आप एक्स कॉमा वाई पर जा रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है? ये डिस्टेंस सर, अंडर रूट एक्स है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस, तभी मैं कह रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे बस बगल में ही है, चले जाओ कभी। अब आईआईटी के थ्रू जाओगे कि नहीं जाओगे अलग बात है। हाँ सर टेक्सास गया हुआ मैं 2 बार। बस, कुछ समझ में आया कि बहुत दूर है, पास होते हुए भी बहुत दूर है, ये समझ में आया? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, मतलब जनरल क्वेश्चन नहीं है ये सब, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, आप लॉजिक पकड़ो, क्वेश्चन यहीं से घूमेगा। शॉर्ट छोटा मोटा, सबसे पहले ये लिखना, ये चार चीजें लिखना, यू एक्स ए एक्स यू वाई ए वाई, वहां से फिर एनालाइज करना। एक्सलेशन जीरो है, एक्सलेशन जीरो है मतलब पूरे रास्ते में, पूरे रास्ते में एक्सलेशन नीचे को है, पूरे रास्ते में एक्सलेशन जीरो है एक्स में, वाई में माइनस जी है, एक्स में जीरो है। वो तीन इक्वेशन लगाऊंगा तो पहली इक्वेशन से ये मिला, सही बात है, होना भी चाहिए। एक्सलेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाना चाहिए फिर तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या रहेगा? तीसरा भी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कहलाएगा, क्योंकि टू ए एक्स इंटू एस v इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, में एस ए जीरो हो चुका है तो वहां से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें, यही चीज निकलेगी आपकी, देख लो चाहे तो, देख क्या लो, लिख देता हूं मैं, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स, लेकिन ए एक्स तो जीरो हो गया है, तो यहां से निकला क्या आपका वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, तो पहले से भी निकल रहा है। फिर आपने वाई में आए, वाई में ये देखा, ये देखा आपने, देखा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तीन इक्वेशन लिख डाली। फिर आपने देखा कि ठीक है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से चलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से चलेगा, वाई कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से, दोनों को जोड़ना कैसे? दोनों को वेक्टर के हिसाब से जोड़ देना है, Hello? वेक्टर के। हाँ Can you guys hear me? Can you hear me? या
I don't understand number one. Number one? Sir, nikalo is bawasir ko sir kya hai? Yeah, sir, kick out karo sir. I don't kick karo bawasir. I'm talking to you, motherfucker. I don't understand this. Can you shut up for a second? Yeah, yeah. Sir, ye koi prank kar raha hai sir, isko nikalo rola hub ko. I'm trying to talk, you fucking asshole. Can you stop saying that and get out of here? Can you please stop abusing? Can you please stop abusing? Can you please get out? Okay, bhai, mamla kya kya kya? Sir, wo bahar se aise hi aa gaya. Sab nikal lo na sir. Nikal diya hai. Ye batao, kaun hai ye? Kaun hai? Kiska dost? Hai? Sir, hamare koi andar dost nahi hai sir. पिछले बार केमिस्ट्री के क्लास में भी कोई तो आया था, फिर मैथ्स के क्लास में भी कोई तो आया, क्लास में भी कोई आया था ऐसे सर. देयर इज वन इंपोस्टर अमंग अस. अरे बुलाओ ना तो सर. अरे सर कोई कोई तो इंपोस्टर है सर. कोई इंपोस्टर है सर. वोट आउट करो सर. छोड़ो भाई सर. आजकल सर इंस्टाग्राम पे ऐसे पेज बन रहे हैं कि सिर्फ उनको जूम का आईडी देने का और वो लोग बंदे भेजते हैं सर. कोई उसमें तो नहीं डाल रहा ना. अरे छोड़ो, चिल करो यार. देखो लाइफ में यही करना है कि कुछ आगे थोड़ा बहुत बढ़ना है, ठीक है? वो तो कर ही सकते हैं लाइफ पर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ो जरा, ठीक है? चलते रहती हैं हाय है? देखो जरा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ. इसका आगे भी चलो बढ़ ही लेते हैं. यहाँ तक हमने कुछ कुछ चीजें सीखी. ये हर देखो हर एक चीज इसमें अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है? अब कल के दिन में आपसे पूछा है वी वेक्टर, तो वी वेक्टर आपने ऐसे निकाल लिया, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप. अब एक कंडीशन देखो जरा, कल के दिन में अल्फा पे आता है, ये कभी कभी आ जाता है अल्फा पे. ये अल्फा बताओ. अब एक बात बताओ, वी एक्स दिखाई भी दे रहा है आपको, वी का कॉस अल्फा होगा वी एक्स. ये वी क्या है? ये v क्या है? ये कोई जनरल टाइम t पर x कोमा y पर पहुंचा होगा, वहां पर की जनरल वेलोसिटी है, ठीक है? कोई जनरल t टाइम पर ये x कोमा y कोऑर्डिनेट पर पहुंचा होगा. जनरल x और y वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो यहां पर पहुंचा होगा. तो उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो x के साथ कितना एंगल बना रही है, वो अल्फा है, और ये वेलोसिटी v है. तो वी एक्स कितना हो जाएगा? v का cos अल्फा, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? v का cos अल्फा आपका. ये सिनेरियो हो गया आपका. अब इसमें देखो जरा, ये vx आ गया आपका निकल के. अब vx आपका होता है ux के बराबर, u का cos थीटा. तो कभी कभी ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ठीक है? कभी कभी आपसे यहाँ पर अल्फा दिया होगा या v दिया होगा, तो आप कुछ तो निकाल सकते हो यहाँ से. ये समझ में आई? ये इक्वेशन वैलिड है करके, ये इक्वेशन समझ में आई? क्या किया है मैंने? v का cos अल्फा जो कि vx होगा. v क्या है? कोई जनरल वेलोसिटी है, उसका cos अल्फा vx होगा. बनेगा ही बनेगा इसका ना, x कंपोनेंट कैसा आएगा? v का cos अल्फा. और ये vx आपको पता है, vx और ux बराबर है. vx तो ux के बराबर रहता है आपका, है ना? x कंपोनेंट की वेलोसिटी, x कंपोनेंट थोड़ा ना बदलता है. रास्ते में 50 मीटर पर सेकंड चलला, 50 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा. भले ही यहाँ पर ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो गई हो, ओवरऑल वेलोसिटी बदल गई हो, तो उसका लेकिन x कंपोनेंट हमेशा फिक्स रहेगा. उसका x कंपोनेंट हमेशा फिक्स रहेगा. ये v का जो cos अल्फा है, इसका x कंपोनेंट जो है वो शुरू का जो x कंपोनेंट था बराबर रहेगा. vx = ux है आपका. समझ में आई बात? सर ये हमेशा vx equal to ux ही रहते हैं क्या? हाँ. सर बस तुम्हारा ही फ्रेंड था मेरे ख्याल से वो, हैं? सर वोटिंग चालू करो. चलो इतना टाइम नहीं है, हटाओ. क्या करना? क्लियर है इतनी बातें? हाँ सर. लिख लो, इतना लिख लो, फिर मैं बदलता हूँ यहाँ से, चीजें बदलता हूँ. फिर ये डायग्राम हटेगा, ये डायग्राम हटेगा. अच्छा, इसमें भी एक और चीज है,
क्या मैं tan अल्फा को लिख सकता हूँ? क्या मैं tan अल्फा को vy अपॉन vx लिख सकता हूँ क्या? जरा ध्यान देना, tan अल्फा को क्या मैं vy अपॉन vx लिख सकता हूँ? vy अपॉन vx, ये हम करते ही थे, कर सकते हैं ना? tan अल्फा कितना हो जाएगा? vy अपॉन vx, हाँ सर, sin अपॉन, हाँ, तो vy को हम यहां से पुट कर सकते हैं। vy को देखो, अब जरा दिक्कत देखो, इसके साथ दिक्कत देखो, vy अपॉन ये हो जाएगा ux, क्यों? क्योंकि भाई x कोऑर्डिनेट तो x में कंपोनेंट की x कंपोनेंट वेलोसिटी सेम रहती है। सर, vx equals to ux, इसलिए vy वाला vy धीरे धीरे कम होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा? y में देखो इतने से फेंका है, g के रेट से कम हो रहा है, तो धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो vy कम होते जाएगा, vy कम होते गया, नीचे वाला फिक्स है, नीचे वाला फिक्स है, vy कम होते गया है, तो tan अल्फा कम होते जाएगा, tan अल्फा कम होते जाएगा तो अल्फा भी कम होते जाएगा, और अल्फा कम होते जाएगा आपको दिख रहा है, पहले थीटा था, फिर थोड़ा और कम होगा, थोड़ा और कम होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाके, हाईएस्ट पीक पर जाके आपका जीरो हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी आपकी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ठीक है, एक मिनट दे रहा हूं, आराम से हर एक चीज देखो, दो मिनट लो, देखो तसल्ली से देखो क्या हो रहा है, दिमाग में ग्रैब करो, ठीक है, तो समझो, दो मिनट दे रहा हूं, उसके बाद हम इसके आगे जाएंगे, और सोचना, सोचने के लिए भी दे रहा हूं, ये कैसे निकालूंगा, ये इसको बोलते हैं रेंज, यहां से फेंकूंगा तो यहां तक कैसे निकालूंगा? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट दूसरा है आपका, तीसरा है कितने समय में यहां गिरेगा, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम, कितने समय में यहां से यहां गिरेगा, सोचना उस पर, ठीक है, आपको दो मिनट दे रहा हूं, और मेरे को आंसर चाहिए, पूछूंगा मैं एक दो से। हाँ भाई, किसी ने कुछ सोचा इसमें? सर, x डायरेक्शन में तो टाइम हमेशा कैंसिल ही हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे टाइम? यही तो सोचना है। अच्छा, यहां तक किसी को दिक्कत? ये वाला हो गया था सबका, लिख लिया होगा मेरे को उम्मीद है।
ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है, चलो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, अब मैं इस डायग्राम में भी थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं, डायग्राम में थोड़े से चेंजेस ऐसे कर रहा हूं कि मैं इसको एक्स और वाई नहीं बोलते हुए, हैं एक्स और वाई हैं, मैं इसमें वो बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, थोड़ा दूसरा चीज जानना चाह रहा हूं मैं कि भाई ये चीज, इसको बुलाता है मैक्सिमम हाइट, इसको बुलाता है रेंज, इसको बुलाता है रेंज, इसको बुलाता है मैक्सिमम हाइट, इसको बुलाता है रेंज, और पूरा जो समय है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सबको समझ में आता है ना, जब तक वो हवा में है, जब तक वो हवा में है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका, ठीक है ना। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कंडीशन क्या है, मतलब यहां से यहां तक जा रहा है कुछ तो पता चल रहा होगा। अच्छा यहां पर ये बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो। इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो। इस पॉइंट पर एक्स 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 आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बोलते हो, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में क्या विचार है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो जीरो, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है तो y से आएगी, y को जीरो रखो, y को जीरो रखोगे, मैं गारंटीड कह रहा हूँ t की दो वैल्यू आएंगी, एक जीरो आएगी एक टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अगर मैं y को जीरो रख दूं तो समय ऐसे दो समय आएंगे, एक तो आएगा इनिशियल वाला समय भाई t इक्वल टू जीरो पर थी, और दूसरा समय आएगा आपका, दूसरा समय आएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। पकड़ो यहां से कितना है y की वैल्यू, y है u sin theta into t plus uit, ui कितना है u sin theta into t plus half ay की जगह पर minus g into t square, इसको जीरो तो करो तो t ब्रैकेट में आ गया u sin theta minus gt upon 2 को जीरो के लिए सॉल्व करोगे, टी की दो वैल्यू आएंगी, टी इज इक्वल टू जीरो या फिर टू यू साइन थीटा अपॉन जी। बताओ कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई बात, कैसे निकाला, क्या कंडीशन निकाली मैंने, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, आपको कंडीशन देखो इक्वेशंस यही है। ये क्यों बोला मैंने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी कहानियां यहीं से चालू होनी है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन तो यहीं से है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई करवाना क्या जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां एक्स, अब उल्टा अगर मेरे को रेंज निकालनी है, अगर मेरे को रेंज निकालनी है कोई कंडीशन कोई तो बता दो, कोई तो बता दो, कोई तो होगा इंसान, क्या होना चाहिए, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया मेरे को, जब जैसे यहां पता, जब वाई की वैल्यू जीरो होगी तो टी या तो जीरो होगा टी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, रेंज एक्स से आएगी कि वाई से आएगी, ये बताओ पहले तो, एक्स कंपोनेंट एक्स सब कुछ। अब तो रेंज कब आएगी, रेंज 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 एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा कब, जब समय कितना हो जाएगा, जब समय कितना हो जाएगा, हाफ टू यू साइन थीटा बाय जी। हाँ भाई सब लोग सोचो जरा इस पर, ये रेंज एक्स कोऑर्डिनेट इसका आर के बराबर हो जाएगा जब समय, समय कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। अबे टू को कौन करेगा भाई, हैं टू कौन करेगा, जब समय टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आर हो जाएगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, पूरा समय पुट कर लो, गिरने का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वाई से आता है, क्यों आता है, क्योंकि एक्स में कोई कंडीशन नहीं है, एक्स में कोई कंडीशन नहीं है, एक्स में कंडीशन ये है, एक्स में कंडीशन ये है, लेकिन यहाँ पर से तो खुद ही खुद आर अननोन है,
लेकिन वाई में तो कंडीशन है भाई, वाई जीरो करो, समय दो बार आएंगे, वाई की वैल्यू जीरो दो बार होगी, एक तो जीरो होगी, एक समय टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। ठीक है, रेंज इतना आ गया आपका निकल गया, रेंज को पुट तो करो। सर आपने वो इक्वेशन कैसे लिखी, y is equal to u sin theta t plus 1 by टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट जहां से प्रोजेक्ट रखा, जहां से प्रोजेक्ट किया और जहां पर लैंड कर रहा है उसके बीच में कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, देखो अगर फिजिक्स सीखनी है ना, पहली चीज चीजें पता होनी चाहिए, वो भी हिंदी में, मतलब क्या है। अंग्रेजी तो दुनिया बोल रही है, ठीक है, अंग्रेजी से मतलब नहीं अपने को, अपने को क्या है, इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द टाइम ऑफ इट्स लैंडिंग, मतलब द टाइम इलेप्स्ड उसके बीच का। क्या बोला मैंने, अंग्रेजी से अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अपना क्या है, अपना क्या है, जहां से फेंका जहां पर गिरा, कितना टाइम खा गया, वो टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है, बस खत्म बात। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे आया आपने लिखी? अबे क्वेश्चन जैसे आएंगे छोड़ो, पहले कॉन्सेप्ट सीखो बे, फिजिक्स में ऐसा थोड़ा ना होता है, क्वेश्चन कहीं से घुमाएगा तुम्हें, इतना समय लेके क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये, अबे क्वेश्चन कहीं से भी घुमाता है। और दूसरे क्वेश्चन कैसा आया पूछा, ये वाला, ये तो ये है, ये तो ये है, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू आई आपका यू साइन थीटा है, ए वाई आपका माइनस का चाहिए, यहां जो आ रहा है सब यहां से आ रहा है, जरा ध्यान दो, x की वैल्यू r होगी जब जब समय इतना हो जाएगा, तो r की वैल्यू कैसे आएगी, r की वैल्यू आएगी ux, ux इंटू टी, बताओ ux है u cos थीटा, ये है 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है, कितना आ गया u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब ये किसी ने अगर पूछ लिया सर्विस के अलावा, तो सर्विस ये कैसे आया यहां से यहां, पहले तो बताओ ये समझ में आया, आर की वैल्यू यू एक्स इंटू टी नहीं, यहां यहां से देखो, जब समय को टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करोगे तो एक्स ऑटोमेटिकली आर बन जाएगा, जब समय को इतना पुट करोगे तो x ऑटोमेटिकली r बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये तो याद रखना है आपको, प्रोजेक्टाइल में तीन फॉर्मूले हैं जो याद रखना है, चार फॉर्मूले, एक दो, दो फॉर्मूले तो ये हो गए आपके, एक दो, तीसरा फॉर्मूला बताता हूं, अच्छा बताओ गर्ल्स में किसका माइक खुला हुआ है, किसका माइक सही है, तो क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, सब शांत हो जाएंगे बिल्कुल, कुकर में चने तो नहीं चला दे तुमने है? ऐसा है क्या, तुम ही लोग हो क्या, हो कोई कलाकार इंसान तो बताओ मेरे को पहले। सर वो साइन टू थीटा है या स्क्वायर थीटा है, ये कैसा है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, हाँ बताओ क्या कह रहे हो, अरे कहना क्या चाहते हो, इसमें क्या दिक्कत आ गई, समझ गए, 2 sin थीटा cos थीटा कितना बनता है, याद है आपको sin 2 थीटा होता है, अगर याद होगा तो 2 sin थीटा cos थीटा कितना बनता है, sin 2 थीटा, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, इम्पोर्टेंट है कि डिराइव कैसे कर रहे हो, घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना और धीरे धीरे सीख जाओ,
कोशिश करना यार, एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू लगा लो, है ना, कोई भी चैप्टर में एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू तो लगा लिया करो, उसमें बहुत टाइम है आपके पास। ये मिटा रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट मिटा रहा हूँ। अब मेरे को बताओ मैक्सिमम हाइट, तीसरी चीज है मैक्सिमम हाइट कैसे आएगी, मैक्सिमम हाइट कैसे आएगी ये बता दो मेरे को। y डायरेक्शन मोशन, पहली बात तो जिसने बोला सही बोला है, मैक्सिमम हाइट आएगी y डायरेक्शन से। कंडीशन बता दो, कंडीशन कोई बता दे भाई मेरे को, कोई तो कंडीशन बता दे, इन तीनों इक्वेशन में से कहीं से तो आएगी। y की वैल्यू h होगी कब, पहले बात बताओ y कौन सी इक्वेशन में इस्तेमाल हो रहा है, y कितने इक्वेशन में इस्तेमाल हो रहा है, सर वो लास्ट के दो इक्वेशन, लास्ट के दो इक्वेशन में, सेकंड और थर्ड में हो रहा है। क्या आप बता सकते हो मेरे को कि y की वैल्यू h कब होगी, जब जब सर u sin थीटा / g, जब समय, ये तुम्हें कैसे पता चला सर, वो सही हाँ। है सही, आधा टाइम होगा ना सर, आधा टाइम होगा, ये सही है, बाकियों को समझ में आया क्या कहानी। हाँ सर, जरा ध्यान दो, जिसने बोला तो कि टोटल टाइम तो कितना आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया था हमारा 2 u sin थीटा / g। अब जो जीनियस बोल रहा है भाई इसका आधा ले लो, जो जीनियस बोल रहा है 2 u sin थीटा / g का आधा ले लो तो y h बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन में, वो भी सही बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, y में देखो u sin थीटा, अरे sin थीटा से हमें क्या मतलब है, एक बात हो u into sin थीटा कोई वैल्यू देगा कि नहीं देगा, u को 100 मान लो, थीटा को 30 मान लो, uy आपका 50 है कि नहीं है, 50 आ जाएगा, u की वैल्यू 100 है, थीटा की वैल्यू 30 है, तो 100 sin 30 कितना हो गया आपका 50 हो गया कि नहीं हो गया है? अब सिर्फ y को देखो, सिर्फ y को देखो, y में पत्थर ऊपर गया नीचे आ गया, लेकिन ये पत्थर का ऊपर जाना या नीचे आना सेम टाइम पर ये भी चल रहा है, एक x में पार्टिकल चल रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो ऐसे करके आता है, इस टाइप में आ जाएगा आपका, ये ऊपर गया ये आके गया तो यहाँ कोऑर्डिनेट आएगा, ये ऊपर गया यहाँ गया, यहाँ कोऑर्डिनेट आएगा, ये ऊपर गया यहाँ गया, समझ गए आपको, तो आप सिंपली y से भी बता सकते हो। अब y में क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, एक पत्थर को ऊपर को फेंका है बस, ये है, तो आपका इन जनरल प्रोजेक्टाइल कुछ है नहीं, वैसे प्रोजेक्टाइल एक पार्टिकल ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, ऊपर को u sin थीटा से फेंका हुआ है, ऊपर को u sin थीटा से फेंका हुआ है, ऊपर गया नीचे गया, प्लस प्लस एक पार्टिकल इधर को जा रहा है, एक पार्टिकल इधर को जा रहा है, कितने से, u के cos थीटा से, ये तो इस पर तो ग्रेविटी भी लगेगी, इस पर कुछ नहीं लग रहा है, इन दोनों को कंबाइन है, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ऐसा रास्ता निकल के आएगा, ये इसको खींच ले जाएगा ना, इसको आगे बढ़ाते जाएगा तो ये पाथ ऐसा करके निकल के आएगा। तो दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं, या तो जिसको समझदारी है कि भाई जितना टाइम ऊपर जाने में लेगा उतना नीचे आने में लगेगा, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, जिस रेट से उसकी वेलोसिटी को कम करेगा, जिस रेट से उसकी वेलोसिटी को कम करेगा उसी रेट से उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा भी, तो ओवरऑल ज्यादा टाइम जो टाइम ले रहा है आधे टाइम भी उतना ही टाइम लेगा, वाई में तो एच जा रहा है फिर एच ही आ रहा है, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का रेट सेम है, समझ में आई बात, या तो टी को टी बाय टू पुट कर लो, या फिर हाँ भाई कोई और बताओ और कंडीशन, ठीक है ये चीज को सेकेंड इक्वेशन में पुट करो आपका आंसर है, और कोई कंडीशन बताओ, एक और कंडीशन है हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो बिल्कुल नहीं है लेकिन vy जीरो है, y डायरेक्शन की vy को जीरो कर लो, पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है बहुत बढ़िया। अब हम थर्ड इक्वेशन से लेंगे, क्योंकि टी में मेरे को टी का स्क्वायर दिख रहा है, कैलकुलेशन जाएगी लंबी, कैलकुलेशन जाएगी लंबी, तो मैं बेटर है ना मैं थर्ड इक्वेशन से चलूं, थर्ड इक्वेशन ज्यादा आसान पड़ेगी मेरे को क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो हो गया है, तो मैं थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ,
vy square is equal to uy square plus 2ay into y. vy khatam ho gaya hai. uy kitna hai? u ka sin theta whole square plus 2 into ay. ay kitna hai? Minus g. y ki value kitni hai? y ki value ho jayegi h. जब फिर वाई शुरू करो एच की वैल्यू कितनी आ गई। हाँ भाई किसी को कोई समस्या है तो बता दो। अरे सर्विस, अरे सर्विस क्या सर? एक बात बताओ, तुम पर पत्थर फेंकने की एक कैपेसिटी होगी, कितने स्पीड से फेंक सकते हो? हैं? हाँ। अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है, ऊंचा से ऊंचा फेंकना है, तो मेरे को कितने एंगल पे फेंकना चाहिए? 45 मैक्सिमम ऊंचा मैं 45 पे फेंकूंगा। अगर मेरे को सबसे ज्यादा ऊंचा फेंकना है पत्थर को 90 सर। 90 और सबसे दूर फेंकना है तो 45 जीरो। सबसे दूर फेंकना है तो 45। ये सबको समझ में आता है क्या? 45 h एच मैक्सिमम कब होगा? जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा। साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 हो जाएगा। और लॉजिकल है भाई, देखो यार मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स का बड़ी अच्छी चीजें हैं, जो आप देखते हो वही चीजों की इक्वेशन सीख रहे हो आप। थीटा को 90 रखो सबसे ज्यादा हाइट आएगी, और होना भी यह चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि भाई सबसे अगर ऊंचाई पर फेंकना है तो आपको थीटा 90 रखना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, और सबसे दूर फेंकना होगा तो? दूर फेंकना होगा तो फिर रेंज आ गई, फिर रेंज से बात करोगे आप। रेंज पे आ जाओ, चलो बताओ रेंज पे आ जाओ, कब मैक्सिमम होगी आपके फेंकने की स्पीड फिक्स है, इतने से फेंक सकते हो, स्पीड फिक्स है, तो डिटरमाइन कौन करेगा? डिटरमाइन करेगा साइन टू थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 कब? जब अंदर का एंगल 90 उससे पहले मेरे को एक और बात करनी है ट्रेजेक्टरी की। मैं कह रहा हूँ पहला लेक्चर हमेशा कोई चैप्टर हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, पहला लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो पहला लेक्चर अगर आप वहाँ झोल खा गए तो वो कुछ कर लो, फोबिया आ गया, और एक बार फोबिया आ गया कर लो कोशिश, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है फोबिया से। चलो देखो, चलो रेंज की बात ही कर लेते हैं, अगर आप कह रहे हो उतना तो रेंज की बातें कर लेते हैं। देखो नोट करके लिख लेना, आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। पहली बात तो अगर आर मैक्स चाहिए, आर को मैक्सिमम करवाना है, तो यानी टू थीटा को 90 करवाना पड़ेगा, यानी थीटा को 45 करवाना पड़ेगा। हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सही है ना सबके लिए कि भाई थीटा को 45 करवाना पड़ेगा तो रेंज आपकी मैक्सिमम आएगी। क्यों दिख रहा है भाई? पूरा का पूरा कहानी इसकी है। और साइन थीटा को तो 1 मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा 1 हो जाए आपका, तो यानी आपका अंदर का एंगल को 90 तो रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, अब एक और कहानी आती है इसके अंदर। इसके अंदर एक और कहानी है, मैं ऐसे दो एंगल ढूंढना चाह रहा हूं, ठीक है? अगर 45 पर मैक्सिमम है तो हो सकता है जो 40 पर मेरे को रेंज मिल ली, जरा सोचना, 45 पर ये 45 पर मैक्सिमम कवर कर रहा है, तो हो सकता है ये 40 पर जो कवर कर रहा हो उतना ही कवर ये 60 पर कर रहा हो या फिर 55 पर कर रहा हो सकता है, क्योंकि भाई मैक्सिमम इतने पे कर रहा है तो इसके नीचे कम करेगा, इसके ज्यादा में भी कम करेगा, तो दो एंगल आने की पॉसिबिलिटी है जहां पर रेंज सेम आएगी। मैक्सिमम से कम होगी
लेकिन ऐसे दो एंगल आने की पॉसिबिलिटी है, एक 45 से कम एक 45 से ज्यादा, जहां पर रेंज सेम आ सकती है। अरे समझ में आया कि नहीं आई बात? हाँ सर ठीक है। अगर मेरे को रेंज सेम करनी है तो भाई रेंज फॉर सेम रेंज, फॉर सेम रेंज, रेंज अगर सेम करनी है तो मतलब साइन टू थीटा की वैल्यू, साइन थीटा वन की वैल्यू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा टू होनी चाहिए, बताओ। बाकी फैक्टर तो चले जाएंगे। अच्छा इन जनरल बताओ, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं इसका, सॉल्यूशन बताओ मेरे को, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अरे भाई कोई तो बता दो, कोई तो मैथ में होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए दोनों। ये कहां से सीख लिया तुमने? तुम तो मेरे को ये बताओ, रटने वाली विद्या छोड़ो, रटने वाली विद्या, ये बताओ साइन थीटा साइन अल्फा है तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी दिख रही है मेरे को सीधा से थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दूसरी पॉसिबिलिटी बता दो कोई। थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। अबे गधो कमाल कर तो यार, एक बात आओ यहाँ पे, साइन थीटा की जगह पर मैं 180 माइनस अल्फा लिखूं, साइन 180 माइनस अल्फा कितना होता है? साइन 180 माइनस साइन थीटा यार, साइन अल्फा होगा कि नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से? अरे समझ में आया? तो थीटा को यहाँ तो ये हो जाना चाहिए, जब ट्रिग्नोमेट्री देखो आप, ये समझ में आया क्या? ये एक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है भाई, एमएस से मत कहना फिर, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर साइन थीटा साइन अल्फा है तो यहाँ तो डायरेक्ट होगा ये 45 तो ये 45, या फिर अगर ये 30 है तो इसको 150 होना पड़ेगा। साइन 150 कितना होता है? साइन 150 हाफ, साइन 150 हाफ होता है, तो साइन 30 कितना होता है? हाफ हाफ। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 135 1/√2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 120 कितना होता है? √3/2। अबे कलाकारों को समझे कि नहीं समझे? समझे समझा सर। बस हो गया। देखो मैथ इतनी चाहिए, मैथ क्या है? मैथ इज अ टूल, ठीक है, जिसको हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। मेन चीज है फिजिक्स समझना, इतना तुम मैथ समझ के बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, यहाँ तो 2θ1 इज इक्वल टू 2θ2, θ1 इज इक्वल टू θ2, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो, नहीं तो कहीं कोने में लिख लेना अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। और इतना समझ में आना चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री हो गई है, मैथ में हो गई क्या ट्रिग्नोमेट्री? इनफैक्ट फिजिक्स की ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी है। या फिर और 2θ1 is equal to 180 minus 2θ2, यानी θ1 की वैल्यू 90 minus θ2, यानी θ1 plus θ2 is equal to 90। यानी इसका क्या मतलब समझ में आया? यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम 90 होता है, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी बेसिकली अगर थीटा 130 होगा और थीटा 260 होगा तो इसका मतलब क्या है? R1 इज इक्वल टू R2 होगा, ही होगा। थीटा 115 होगा, थीटा 275 होगा, R1 इज इक्वल टू R2 होगा, ही होगा, बताओ। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन एक समस्या है, ये लिख लिया क्या किसी ने? सबने लिखी है ये मैथ? मैथ दिक्कत कर रही किसी को? इतना नहीं सर, लिख लिया सर, सबने लिख।
बहुत बढ़िया आपने लिख लिया। तुम सर्विस से सर्विस हो गए सर, बाकी सर्विस है कोई गाना ना सुनाओ यार, बहुत बोर हो रहा हूँ। आंसर तुम देते नहीं हो आजकल और गाना भी नहीं सुना रहे हो और नंबर भी 12 लेके आ रहे हो, कम नंबर लेके आ रहे हो। 28 कोई गाना तो सुनाओ फिर, कोई तो होगा गाना। है सर्विस? हाँ भाई, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? अब हम इसमें एक और बात करने वाले थे, क्या बात करने वाले थे हम? हाँ ठीक है, एक और बात करने वाले थे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। हाँ कोई तो बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। यार ये लड़कियां कोई जवाब आप नहीं देती। हाँ भाई कोई तो लड़की कोई तो जवाब दे दे भाई, कोई तो लक्ष्मी भाई बने। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अरे यार ऐसे अगर दो एंगल हैं 30 और 60 पर अगर रेंज सेम आ रही है, 15 और 75 पर रेंज सेम आ रही है, लेकिन दोनों केसेस में एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हो कि अगर मैं 30 पुट करूंगा जो हाइट आएगी, और जो 60 पुट करूंगा जो हाइट आएगी, 60 वाली ज्यादा आएगी। बताओ है? अरे आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? 30 और 60 पर रेंज सेम है, रेंज सेम आएगी। अभी डायग्राम से भी समझाता हूं मैं, अगर सर्वे से कॉपी कर चुका होगा तो मैं समझा दूंगा। 30 और 60 पर रेंज सेम आ रही है, लेकिन 30 पर जो हाइट आएगी वो कम आएगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कम होगा वहां पर, यहाँ पर तो 2 थीटा चल रहा था रेंज में, तो उससे तो कोई वहीं से तो हम ये सब निकाल के लाए। 2 थीटा के चक्कर में तो ये सब आए हम यहाँ तक फंसे। आया यहां तक समझ में आया क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक सबको समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद अगर 30 है 60 है तो भाई मैं कह रहा हूं 30 60 पर रेंज सेम आएगी, लेकिन 30 पर हाइट कम पड़ेगी एज कंपेयर टू 60 पर, क्योंकि 30 पर साइन 30 का स्क्वायर पड़ेगा आपका 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, यहां पर करोगे तो आपका 3/4 आएगा, रूट 3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 आएगा, जबकि यहाँ पर 1/4 आएगा 30 के चक्कर में। सर तो फिर तो सर साइन 60 की आए? नहीं हाँ बरो। अरे सर कुछ नहीं सर, मैंने थोड़ा नहीं सर बादाम था तो बस करवा लिए भेज दो तुम, अब छोड़ दो, हो गया। अगर डायग्राम से समझो जरा कुछ चीजें अगर समझ में आ गई तो। मान लो कि ये है कलाकार इंसान जिसने 45 डिग्री पे फेंका है। अब मैं कह रहा हूं कि पकड़ के आप फेंको 30 डिग्री पर, आप पकड़ के फेंको इसको 60 डिग्री पर, ये होगा सिनेरियो। डायग्राम समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ताली बजा देना एक बार के लिए। हैं? एक 30 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा, ये समझ में आया? 30 और 60 पर आपको पता है रेंज सेम आने वाली है, ठीक है ना? 30 और 60 पर आपको पता है, 60 कहां से कहां तक है? 60 यहां से यहां तक का है ये वाला, ये 60 पर और 30 पर रेंज सेम आ रही है, सही बात है। 45 पर ज्यादा आएगी, लेकिन अब हाइट देखो, हाइट के साथ फॉर्मूला देख रहे हो, साइन थीटा का स्क्वायर है, साइन थीटा बढ़ते जाएगा तो हाइट बढ़ते जाएगी। साइन थीटा कैसे बढ़ता है? साइन थीटा थीटा के हिसाब से बढ़ता जाता है, साइन थीटा थीटा के हिसाब से बढ़ता जाता है। पल्ले पड़ी बात की गई सर, 30 और 60 पर रेंज सेम कैसे आएगी? साइन थीटा को साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा तो हो जाएगा ना? दिक्कत पड़ जाएगी वहां से। अब देखो अब सॉल्यूशन निकलेगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी वहां से, आप ये थोड़ा ना कंक्लूड कर पाओगे, ये कंक्लूजन निकालना बहुत डिफिकल्ट है वहां से।
sin theta को 2 sin theta cos theta लिखा ना, तो वहां से सॉल्यूशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। sin theta तो cos 90 minus theta होता है, तो दोनों इक्वल ही है। sin theta cos 90 minus theta लिख देंगे, तो 90 minus theta equal to theta, तो theta 1 plus theta 2 90 degree। कर लो, बताना मत किसी को कैसे किया है, ठीक है? ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, सब मैथ लग रही है इसमें, इसमें कोई फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, इस बार साइंस की तरफ से नहीं हो तुम लोग, मैथ की तरफ से चल रहे हो। बिल्कुल लिख सकते हो यार, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखो, ठीक है? फिर उसमें से मैक्सिमम, उसमें से क्या कह रहे हो उसको, क्योंकि दो रेंज इक्वेट करनी है। कैसे करवा रहे हो उसको, 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 हो जाएगा वहां से भी, वैसे तो खैर ये लिख लिया गया सबने, ये समझ में आया सबको? पहले देखो, पहले तो रिजल्ट देखो क्या है, कि भाई 30 पर 90 पर 30 पर 60 पर रेंज सेम आएगी, 15 75 पर सेम आएगी, 50 और 40 पर सेम आएगी, बेसिकली जिनका सम 90 हो रहा है रेंज सेम आएगी। अब उसके बाद हाइट की भी बात करेगा, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और डायग्राम बना के आपको फंसाएगा इनमें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? दोनों पर रेंज सेम आ रही है, लेकिन लेकिन 60 पर जो हाइट आएगी वो ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू 30, क्योंकि साइन 60 ज्यादा पड़ेगा आपको, साइन 60 ज्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू साइन 30, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ सर, ये समझ में आया ग्राफ, सबको समझ में आ गया? हाँ सर। आप चाहे तो इसको 30 की जगह थीटा 1 लिख दो, इसको थीटा 2 लिख दो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 की कंडीशन कल के दिन में पूछेगा तो 90 होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है थीटा 2 ज्यादा होगा थीटा 1 से, क्योंकि तो हाइट में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट यह है, इसकी हाइट यह है। अरे आ गई बात समझ में? हाँ सर। चलो इसके बाद हमारा बचता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या कहती है बता दूं सबको? देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, दो मिनट सर रफ मत करो। कौन सा? हो गया सर। ठीक है, देखो क्या है, ये है आपका, ठीक है? इसका रास्ता जानना चाह रहा हूं भाई, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है ये ग्राफ, ये पाथ, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पाथ इज नोन एज इक्वेशन ऑफ इज नोन एज इक्वेशन ऑफ इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसी को बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन सर। हाँ, ये टू डायमेंशनल है तो फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्स को जाएगा या फिर वाई को जाएगा ना? वो दोनों में जाएगा, अगर खाली एक्स में जाता है या खाली वाई में जाता तो वन डायमेंशन नहीं हो जाता। समझ गया, मुंबई की भाषा में बोलना चाह रहे हो,
ठीक है, यहाँ तो x को जाएगा या y को जाएगा, z को नहीं जाएगा यहाँ तो, मतलब समझ रहे हो ना, x में भी जाएगा y में भी जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे किसी भी टाइम पर, इसका दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, इसका x भी होगा इसका y भी होगा। अभी तक वन डायमेंशन पढ़ा है आपने, मोशन रेक्टिलिनियर मोशन वन डायमेंशन था, एक लाइन में चाहे ऐसे जाए चाहे ऊपर जाए एक ही होता था। अब क्या कर रहे हो, वाई में भी जा रहा है एक्स में भी जा रहा है, दोनों को कंबाइन कर ले रहे हो, दोनों को अलग से लिख रहे हो, दोनों को फिर एक साथ देख ले रहे हो। हाँ, बताओ अब देखो इसका रास्ता निकालना है। देखो रास्ता निकालने का इक्वेशन ऑफ ट्रिएक्ट का मेथड देखना और फॉलो करना, इस चीज को आगे भी जाके बहुत काम की चीज है। एक्स कोऑर्डिनेट को कितना लिख सकता हूँ आप जानते हो, एक्स कोऑर्डिनेट हमने कितना लिखा था, अगर ये यू है, अगर ये यू है ये थीटा है, एक्स कितना आ जाएगा, यू एक्स एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, जहां पर ए एक्स जीरो था, बताओ ए एक्स जीरो था, किसी को कोई दिक्कत, अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, नो सर। वाई में कितना हो जाएगा, वाई में कितना हो जाएगा, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर हमें इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी है, आपने लाइन, आपने बहुत सारी चीजों की इक्वेशन पढ़ी है, आपने इक्वेशन पढ़ी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने पढ़ी है एम एक्स प्लस सी, आपने और भी पढ़ी होगी y is equal to x cube minus 3x square plus 2 ना? किसी भी ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या होती है, सिर्फ y और x में होती है, x और y कोऑर्डिनेट का रिलेशन है, x और y कोऑर्डिनेट का रिलेशन है वो पैरामीटर हटा के है। पैरामीटर मतलब जैसे कि यहाँ पर टाइम है, टाइम को हटा दो और x y में रिलेट कर लो, टाइम पर ना होता है ग्राफ, ग्राफ बन गया बन गया, ठीक है। कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो टाइम को हटाओ, जो जो पैरामीटर है उसमें, ठीक है, जो पैरामीटर है उसको हटाओ। कैसे हटाओगे, y इक्वल टू यू वाई, यू यू वाई कितना है साइन थीटा, टी को क्या लिख दोगे, टी को लिख यू कॉस थीटा प्लस हाफ हाफ ए वाई को लिख दोगे माइनस का जी टी स्क्वायर को लिख दोगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बताओ यहां तक समझ में आया? यस सर। क्या किया है, कुछ नहीं किया, यहां से समय को उठा के यहां पुट कर दिया, समय को एक्स अपॉन यू एक्स, एक्स अपॉन यू एक्स, यहां पर भी समय को लिख दिया एक्स अपॉन यू एक्स, ए वाई होता है माइनस जी, ए वाई होता है माइनस जी। जरा ध्यान से देखो, y is equal to x का tan theta बनेगा, u से u कटेगा, x का tan theta बनेगा minus gx square upon 2u square cos square theta बन जाएगा। तो equation of trajectory ये आती है। ये आपको चौथा फॉर्मूला जो याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला क्या था, तीसरा फॉर्मूला पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, तो चौथा फॉर्मूला याद रखना है। जादू कर रहा मैंने, हैरी पॉटर में जो डंबल डोर था वो मैं ही था, और मैंने जादू किया वो ऐसा हो गया। अरे भाई कैसे आई का क्या मतलब होता है, क्या था शुरू में जब यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी वहां पर, लिखी नहीं थी मैंने इक्वेशन ux x is equal to uxt, क्यों लिखी थी, ax जीरो था कि नहीं था ax? अच्छा इक्वेशन कब लिखते हो पता है, इक्वेशन कब लिखते हो ऐसे x is equal to a, y is equal to a, कब लिखते हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, x में क्या है एक्सेलरेशन जीरो है, y में एक्सेलरेशन कितना है माइनस का जी, अरे है कि नहीं है? हाँ सर, पेजेस पलट के तो देखो, आपने x का इक्वेशन नहीं दिया था, किसको बता रहे हो, अपने साथ वाले को, झूठों ने झूठों से कहा,
सच बोलना है, ऐसा है क्या कुछ? अरे मैंने लिखवा रखा है भाई x की वैल्यू, x की पहला सबसे पहला पेज देखो ब्रेक टाइल का, कहानी हमेशा पहले पेज से चालू होती है कोई भी चैप्टर के, और मेरे क्लास में तो खास तौर पर कोई भी चैप्टर चालू होता है पहला लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है। इसमें एक और काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बन जाएगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन थीटा, नीचे आ जाएगा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जरा ध्यान से देखो, एक्स टेन थीटा है, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे, ये देखना 1 माइनस एक्स अपॉन आर बनेगा, कर लो कोशिश, ये इतना बन के आ जाएगा। आराम से आपको दे रहा हूँ 2 मिनट, जिसने बादाम ज्यादा खा रखे हैं उसके लिए 10 सेकंड की कहानी है, 10-15 सेकंड में समझ में आ जाएगा ये यहाँ से यहाँ कैसे आया। ये चीज रेंज बनेगी, जरा देखना, एक एक्स से एक्स कटेगा, नीचे का टर्म रेंज बता रहा है, रेंज का फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको, अगर रेंज का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो रेंज होती है आपकी, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा को साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। देखो जरा, टू यू स्क्वायर तो है ही, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी बनेगा, एक कॉस थीटा कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कैसे आई, यार ये बड़ी समस्या है, कैसे आए भाई एक्स की वैल्यू बता दो, कोई तो बताओ भाई, सर्वेश को अलग से समझा दिया करो भाई। सर्वेश ऐसा है, रिकॉर्डिंग ऑन है, शायद तुम्हें कर रखी होगी, दोबारा देख लेना लेक्चर को, स्टार्टिंग से देखना एक्स कैसे आया, बहुत पॉज लिया मैंने, बहुत ज्यादा पॉज लिया था मैंने शुरू में समझाने में। सर पहली वाली रिकॉर्डिंग है ही नहीं, अपने बाद में अलाउ कर दिया, पहली वाली किसी और को होगी, आपने अलाउ भी नहीं किया था दूसरी पे। अच्छा चलो, आज से पहले तो अलाउ किया होगा, ये बताओ मेरे सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर कम कैसे आए, आज से पहले तो अलाउ कर रखा है मैंने रिकॉर्डिंग करना आपको। पेपर बहुत हार्ड था सर। कुछ हार्ड नहीं होता, हार्ड और इजी ये सब रिलेटिव टर्म है। देखो जरा यहां तक पहुंचे होगा, यहां से ये पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया, करो करो भाई, जब सबको आ जाएगा, जब लड़कियों का आंसर आ गया तो मैं समझूंगा, एटलीस्ट मेरे को 3 लड़कियों का आंसर चाहिए कि भाई यहां से ये यहां कैसे आया, और इक्वेशन ऑफ ट्रैक्टरी लिखने का तरीका देखो। देखो अगर एडवांस में कभी क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा ना पूछता है रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, ये बच्चों वाले सवाल है भाई, ये पूछने लग गया तो फिर तो हर कोई आइडियन बन जाएगा और क्या करेगा वो, उसमें कोई और फोर्स लगाएगा, कुछ हवा चलवा देगा लेफ्ट टू राइट, फिर पूछेगा अब निकालो, दम है तो अब निकालो, और उसमें भी रेंज और हाइट नहीं पूछेगा, ट्रैक्टरी पूछेगा। तो तुम तो बहुत ही एलिमेंट्री चीज सीख रहे हो, उसको सीखो आराम से, दिमाग दिमाग लगाओ, कोई दिक्कतें हैं तो बताओ, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है, पुराना कैचअप ही ना करो, पुराना कैचअप करो फिर पूछते रहो। आया सर। भाई 2-3 लड़कियों का आना चाहिए कम से कम, फिर मैं बताऊंगा आगे। सर इसमें डिफ्लेक्शन के बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना? डिफ्लेक्शन मतलब? सर जैसे आपने अभी बोला ना कि मतलब वो बॉल जाएगा फिर रीचिंग के पहले का वो अपोजिट फोर्स, ये सब ये इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे ट्रैक्टरी का? देखो कल कल मैं कहता ना, क्वेश्चन ऐसा आता है कि जहां से फेंका है वहां से 10 मीटर पे, वहां से 10 मीटर पे एक वॉल है, ठीक है,
जहां से फेंका है वहां से 10 मीटर पे एक वॉल है, तो क्या वो वॉल को हिट करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, वॉल की हाइट दी होगी आपको, मान लो वॉल की हाइट है 50 मीटर, तो आप तो क्या करो, आप आपको दिया होगा पत्थर फेंका ऐसे करके, फुटबॉल फेंकी ऐसे करके, एंगल दिया होगा, स्पीड दी होगी, आपको x 10 दे रखा है, y निकालो। ठीक है, y निकाला आपने, अगर मान लो रास्ते में जो दीवार है किसी पर्टिकुलर x में कोई दीवार है, मान लो यही है, अगर दीवार इस पर्टिकुलर x में x की वैल्यू है 10 मीटर, इस पर्टिकुलर x में दीवार आपकी मान लो 30 मीटर है, और इस पर्टिकुलर x को यहां पुट करके y की वैल्यू आ रही है 40 मीटर, y 40 आ रहा है, दीवार 30 की है, तो ऊपर से चले जाएगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि दीवार की कितनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए कि वो आगे ना जा पाए, तो क्या करोगे, x को कितना था, ये 10 था, x को 10 रखो, y की वैल्यू निकल के आएगी, y मतलब ये पूरा निकल के आएगा, y मतलब ये पूरा यहां तक निकल के आएगा, तो दीवार की हाइट इतनी होनी चाहिए, तब जाके ये कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, तो ये आगे नहीं जाएगा। इस टाइप के प्रॉब्लम जो आएंगी वो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से सॉल्व होंगी। ठीक है, बाकी जो प्रॉब्लम है सिंपल, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट की, वो तो बहुत सिंपल है। उसके अलावा जो क्वेश्चन सर मैक्सिमम हाइट डिफाइन कर देने की, इससे बॉल थोड़ी जाएगी। अबे मैक्सिमम हाइट, तुम्हें एंगल फिक्स कर रखा है, एक बार तुमने एंगल फिक्स कर दिया, एक बार एंगल फिक्स कर दिया तो तुम्हारा रास्ता फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, फिर अच्छा, हाँ। फिर डिपेंड करेगा ना वॉल कहाँ पर है। अब ये वॉल, अब मान लो ये वाली वॉल यहाँ पर थी तो नहीं जाएगा, ये वाली वॉल यहीं पर होती तो चले जाता, ये वाली वॉल यहाँ पर होती तो चले जाता, ये वाली वॉल यहाँ होती तो चले जाता, नहीं जाता यहाँ और यहाँ पर नहीं जाएगा, तो डिपेंड करेगा ना वॉल कहाँ पर है। ओके सर, समझ में आई बात। तो वॉल की लोकेशन वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, उस एक्स कोऑर्डिनेट पर वाई निकाल लो, अगर वो वाई की वैल्यू, अबे एक्स की वैल्यू कैसे आई, एक्स की वैल्यू यहां से आई, कहां से आई है? अब देखो पहले पेज का लेक्चर देखो, मैं दोबारा नहीं बताता, देख लो उसको, तुम्हारे चक्कर में है, एक्स की वैल्यू अपने से दी नहीं है, ऐसा है 4:20 पर बोला था आने के लिए, उस टाइम आ जाते, 4:25 से चालू किया होगा मैंने, वहां पर लिखवा रखा है, प्रॉपर लिखवा रखा है, एक्स की वैल्यू यू एक्स इंटू टी लिखवा रखी है, नहीं लिखवाई तो बताओ, क्लियर कट लिखवा रखी है, खाली टाइम बर्बाद करते हो दूसरों का भी, है जरा ध्यान दे दो, लिखवा रखा है भाई ये शुरू में, पहले आज का हो गया क्या, भर गए हो मतलब सर? सर वो मैंने पहले पेज का स्क्रीनशॉट लिया था, वो ग्रुप में डाल दिया। बहुत बढ़िया, हाँ भाई सर, वैसे अब देख लेना किसने ग्रुप पर तो कुछ डाला है। हाँ देखो, आज हमने बहुत अच्छा खासा डेरिवेशन कर लिया है, बहुत सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन कर लेना। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एक तो मैक्सिमम हाइट रेंज का है, हाँ भाई, शुरू के सॉल्व एग्जांपल 3, या कोई कोई बुकलेट लेके बैठा हुआ है क्या, कोई तो बैठा होगा, एक सेकंड सर, साइड में ये खोलनी पड़ेगी। हाँ खोलो खोलो, फटाफट खोलो, कितने सॉल्व एग्जांपल करने लायक है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के, कितने? कितने भाई? मेरे ख्याल से 3 एग्जांपल तो पक्का होंगे। अरे है कि नहीं है? 3 एग्जांपल होंगे भाई, बताओ भाई, 3 एग्जांपल तो होंगे ही।
सर सॉल्व एग्जांपल वन और जो नॉर्मल एग्जांपल है ना उसका वन टू बस सॉल्व एग्जांपल कौन सा सर जो सॉल्व किया हुआ एग्जांपल है उसका थर्ड वाला एक शेयर ना बुलेट वाला क्वेश्चन बहुत आसान है अगर विजुलाइज हो गया तो ठीक है अब देखो बुलेट वाला प्रॉब्लम देखो देख लो कल का मेरा हेडेक ना बने तो बुलेट वाला क्वेश्चन देख ही लो देखो बुलेट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है अच्छा एक बात बताओ बुलेट बोलो या फिर एक प्रॉब्लम आती है उसमें स्प्रिंकलर सुना है क्या स्प्रिंकलर इरिगेशन हाँ सर मालूम है सर हाँ सर है ना हाँ, गार्डन में होता है तो वहां पर क्या होता है कि स्प्रिंकलर है यहाँ से आप एंगल को भी फिक्स कर सकते हो यहाँ पर आप एंगल को फिक्स कर सकते हो एंगल पर आपकी कोई दिक्कत नहीं है एंगल कितना भी रख सकते हो हॉरिजॉन्टल के साथ तो अगर आपको सबसे दूर फेंकना है तो आप ऑब्वियस सी बात है 45 रखोगे 45 रखोगे ऐसे रखोगे ऐसे रखोगे ऐसे जाएगा ये घूमते रहता है तो ये जो एरिया आएगा इसके बॉटम का जो एरिया आएगा अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियस सी बात है आप 45 पर फेंकोगे आप 45 डिग्री पर फेंकोगे तो आपका रेडियस बन के आएगा कि नहीं आएगा यहां से फेंका 45 पर रेंज अगर आपको मैक्सिमम एरिया कवर करना है 45 पर फेंकोगे आप यहां को 45 फिर थोड़ा एंगल घुमा लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ 45 फिर 45 फिर 45 फिर 45 फिर 45 इस सर्कल का रेडियस और मैक्सिमम रेंज बराबर होंगी कि नहीं होंगी क्या बात अगर मेरे को मैक्सिमम एरिया कवर करना है स्प्रिंकलर के थ्रू तो मैं क्या कर सकता हूं ये फव्वारा क्यों बनाया अरे फव्वारा समझा रहा हूं फव्वारे की कहानी क्या होती है स्प्रिंकलर जो होता ना स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है गार्डन में होता है ठीक है तो वहां पर क्या होता है वो मान लो पहले वाले रॉकेट को देखो पहला रॉकेट ऐसे गिरा कितना एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 पर रखो ताकि ये सबसे ज्यादा आया ठीक है अब गन वाला भी यही है गन वाले में भी शायद यही कह रखा होगा उसने मैक्सिमम एरिया कवर्ड कुछ ऐसा करके कुछ बोला होगा ठीक है ना ऊपर वाले दिखने रहा तो ऊपर वाला मैं दिखवाना भी चाह रहा हूं बड़ी समस्या आया तुम्हें तो 45 पर फेंका यहां गिरा दूर गया अगली बार जब इधर को फेंकूंगा अभी तो नॉर्थ को फेंका मान लो अभी ईस्ट को फेंकूंगा तो भी मैं 45 पर फेंकूंगा हॉरिजॉन्टल के साथ ताकि मैक्सिमम दूरी तक जाए इनफैक्ट मैं कहीं को भी फेंकूंगा मैं 45 बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल के साथ ताकि मैक्सिमम जाए बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा तो मेरा ग्राउंड पर जो ग्राउंड पर सर्कल बनेगा वो कितने का बनेगा पाई आर स्क्वायर का आर होगा आर मैक्स के बराबर उसका रेडियस जो हो जाएगा उसका रेडियस जो होगा वो आर मैक्स के बराबर हो जाए तो काम बन जाएगा मेरे को मैक्सिमम एरिया कवर करना है अच्छा अगर मिनिमम एरिया का कोई क्वेश्चन कहीं पूछेगा नहीं क्योंकि आप 90 पर रखो वर्टिकल मारो ऐसे करके ठीक है तो कुछ एरिया कवर ही नहीं करेगा वो हाइपोथेटिकली अब पानी ऐसे ऊपर फेंकते जा रहो वापस आएगा गीला कर देगा लेकिन उसको नहीं मानते ठीक है तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी ये है AIEEE 2010 2012 बताता हूँ मेरे को तुम पर विश्वास नहीं रहा पता तो है दो तीन अरे सर मैं आपको फोटो भेजता हूँ सर उसके आगे अरे रहने दो मेरे पास है मेरे पास पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ठीक है कम से कम उतना करके आना कल रिवाइज करके आना जितना कराया हुआ है तीन क्वेश्चन तो देख के आना अभी बताता हूँ कौन कौन से देखने हैं
एच और आर दोनों मैक्स कब होगा? एच मैक्स होता 90 पर, आर मैक्स कब होगा? आर मैक्स होगा 45 पर. 45. दोनों कंबाइन, दोनों को एक साथ मैक्सिमम थोड़ी ना पहुंचा दोगे. हाँ भाई ऐसा हो सकता है क्या? हाई मैक्सिमम पहुंचा दो और रेंज में मैक्सिमम पहुंचाओ, पॉसिबिलिटी नहीं है. क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें साइन टू थीटा आ रहा है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा आता है हाइट में. तो रेंज को मैक्सिमम करनी तो 45 ही है, लेकिन 45 पर मैक्सिमम हाइट नहीं मिलेगी. हाइट मैक्सिमम मिलती है 90 पर. सीधा वर्टिकल फेंको, सबसे दूर जाएगा, सबसे ऊंचा जाएगा. सबसे दूर फेंकना है तो 45 पर फेंको. जितना अब बता दूंगा कम से कम 3-4 क्वेश्चन कर लेना, कर लेना ठीक है. एटलीस्ट उतना ट्राई करके आ जाना. मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो रिवाइज करके. कम से कम 1.5 घंटा देना आज फिजिक्स को, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को. और उसके बाद कल हम यही चालू करेंगे, ठीक है. परसों को हम रेक्टिलिनियर पूरा डिस्कस करेंगे. रेक्टिलिनियर पेपर के डाउट पूरा, जितना भी आपको डाउट आएंगे. ओके सर, ठीक है, जा सकते हो, लेकिन ग्रुप में मैसेज देख लेना एक बार. उतने क्वेश्चन तो करना ही है तुम्हें. सर वो ऊपर वाला पार्ट दिखा दो ना, अभी कॉपी करने है. लो यार लो. New unusual routes pop up in airline networks due to pandemic crisis. क्या हो गया? माइक बंद कर. सॉरी सर माइक चालू नहीं यार. चलो 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 भागते जाओ भागते जाओ. जिस ने लिखा. हाँ हाँ बिल्कुल आराम. बाय सर. बाय बाय. किसी का कोई डाउट है, कोई समस्या है जिंदगी में बता दूँ. वो इक्वेशन ऑफ क्या था? ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री विनीत, समझ में आ रहा है कुछ? मैं क्या ताहा ताहा और जानवी गए दोनों, सब भाग गया है. कौन बचा है अब? सर हम बचे हैं. फरहान, फरहान फरहान को समझ में आ रहा है? जानवी, कुमैल, सर वो उसमें से कौन सी इक्वेशन यूज करनी है क्वेश्चन सॉल्व के लिए? y is equal to कौन सी इक्वेशन? मतलब सर आपने y के दो इक्वेशन लिख दिए ना, तो उसमें से कौन सी यूज करनी है? कोई सी भी कर लो, दोनों एक ही बात कहती हैं. दोनों एक ही बात कहेंगी, दोनों कहेंगी सेम है यार. आर को पुट करो यहाँ पर, आर को पुट करोगे तो सेम आंसर आएगा. ठीक है, आर को पुट करोगे तो आंसर सेम ही रहेगा, उसमें कोई इतना चेंजेस नहीं आएंगे. दिख रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय आर.
ठीक है, आर मतलब रेडियस ना, आर मतलब रेंज। प्रोजेक्टाइल में रेडियस कहां से आई? चलो हो गया, तुमने रिकॉर्डिंग कर ली है। दो मिनट सर, ग्राफ बाकी।